पहला प्रश्न पूछा गया था, वर्ष 2021 से 2022 का इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? हैदराबाद फुटबॉल क्लब ने जीता है। अगर 2020 से 21 का पूछा जाए तो मुंबई सिटी एफसी ने जीता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 18 अगस्त का पहली शिफ्ट का एनालिसिस लेकर आए हैं रेलवे ग्रुप डी का। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। IPL 2022 में मनीष पांडे किस टीम से खेले थे? लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से खेले थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा प्रस्तुत वार्षिक बजट किससे संबंधित है? वार्षिक व्यय से संबंधित है। अगला प्रश्न पूछा गया था, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न पूछा गया था कि कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहा जाता है? ATP को। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था कि मृणाली सारा भाई का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? भरतनाट्यम और कथकली से है। प्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? बांसुरी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया था, 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था? केरल सही उत्तर हो जाएगा। भारत की साक्षरता दर 74.04% थी। इनमें से कौन सा त्यौहार अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है? ऑप्शन में ये चार ऑप्शन में दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था, किस माह में तमिलनाडु में वर्षा सर्वाधिक होती है? अक्टूबर और नवंबर में अधिक वर्षा होती है। एक प्रश्न पूछा गया था कि गुजरात के किस बंदरगाह से मुगलों ने सर्वाधिक व्यापार किया था? सूरत सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न पूछा गया था, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानी जाने वाली नदियां है? ऑप्शन में गोदावरी, कृष्ण, कावेरी और इनमें से कोई नहीं दिया गया था। गोदावरी को दक्षिण गंगा के रूप में जाना जाता है, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जाना जाता है। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1। सेल्सियस निकेटर ने मेक्सथनीज को किसके दरबार में भेजा था? चंद्रगुप्त मौर्य के। अगला प्रश्न पूछा गया था, नवंबर 2021 में जम्मू और कश्मीर के लिए तेजस्विनी व हौसला योजना किसने लॉन्च किया था? तो निर्मला सीतारामन यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से कौन सा मूल अधिकार है? यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता, शिक्षा और संस्कृति अधिकार, संपत्ति का अधिकार। 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटाया गया संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आप लोग देख लीजिएगा इनमें से कौन कौन ऑप्शन में दिया गया था। एसुलेट व्याय के लेखक कौन है? विक्रम सेठ। पुस्तक गुलाम मिग्री के लेखक कौन है? ज्योतिबा फुले। पूछा गया था कि चंगेज खान की मृत्यु कब हुई थी? 25 अगस्त 1227 को हुई थी। सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के लेखक है अरविंद ओडिगा। प्रश्न पूछा गया था कि नील विद्रोह का नेतृत्व निम्न में से किसने किया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा, सितंबर 1858 में परेशान किसानों ने अपने खेतों में नील उगाने का निर्णय लेकर बागान मालिकों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। विद्रोह की पहली घटना बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदापुर गांव में सितंबर 1859 में हुई। स्थानीय नेता दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किसानों के नील की खेती बंद कर दी। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उस्ताद अल्लाह रखा किस वाद्यंत्र से संबंधित है? तबला वादक। उस्ताद अल्लाह रखा कुशरेसी जम्मू कश्मीर के रहने वाले एक भारतीय तबला वादक थे। वे सितार वादक पंडित रविशंकर के नृत्य उत्पादक थे। उन्हें 1977 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। वाद्यंत्र तबला, बांसुरी। तबला का संगीतकार कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिएगा आप लोग वीडियो को पॉज करके। बांसुरी का, सहनाई का, सिरोद का, सबका यहाँ पर मैंने नोट कर लिया है, आप लोग वीडियो को पॉज करके ज़रूर देख लीजिएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था कि डायरेक्ट फ्री किक शब्द किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल के खेल से संबंधित है। डायरेक्ट हिट क्रिकेट के खेल से संबंधित है। अगर फ्री पूछा जाए तो फुटबॉल और हिट पूछा जाए तो क्रिकेट। एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवा को क्या कहा जाता है? GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूछा गया था कि लावणी किस राज्य का लोक नृत्य है? ये महाराष्ट्र का। और अन्य में पूछा जाए तो लेजिम, लावणी, नकटा, गफा, बुहाड़,
गफा दही कला पावरी नाच। अगला प्रश्न पूछा गया था कि इनमें से कौन सा उपधातु है। उपधातु ये है ब्रॉन्ज, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी और टेलुरियम व पोलोनियम। आप लोग देख लीजिएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन में दिया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया था कि वर्ष 1968 में किस अभिनेत्री को पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वैजयंती माला। अगला प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर और उत्तर पश्चिम राज्य की मुख्य फसल कौन सी है। गेहूं सही उत्तर हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर रेलवे ग्रुप डी का पल पल का अपडेट और रियल एनालिसिस इसी चैनल पर मिलता है। तो आप लोग हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।